रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमोली बस में बैठकर अपने कॉलेज जा रही होती है और तभी वो अपने बैग से आम पापड़ निकालकर खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, वाह क्या स्वाद है इसका, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, मेरा आम पापड़ एक तरफ। अगर आम पापड़ नाम का कोई लड़का होना है मैं तो भाग के शादी कर लूँ उससे। कुछ ही देर में वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ उसकी दोस्त निवी काफी देर से उसका वेट कर रही थी। उसे देखकर निवी बोलती है, आ गई महारानी। अरे कब से तेरा वेट कर रही हूँ यार, हद होती है, रोज लेट आती है तू, करती क्या है यार। मैं रोज आम पापड़ खाते खाते उसके स्वाद में इतना खो जाती हूँ कि 2-3 स्टॉप आगे पहुँच जाती हूँ, फिर वहाँ से वापस आते हुए मुझे टाइम लग जाता है। तू जो ये आम पापड़ खाती रहती है ना, तेरी नसों में खून की जगह आम का जूस दौड़ने लगेगा एक दिन। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियाँ क्लास में जाती है और शाम को घर वापस आ जाती है। अमोली घर जाकर फ्रेश होती है और घर के कामों में अपनी माँ रेखा की मदद करती है, जिसके बाद रात को अपनी माँ के साथ बैठकर वो खाना खा रही होती है और तभी अमोली बोलती है, माँ ये कैसी दाल बनाई है आपने, अरे जरा सा भी स्वाद नहीं है इसमें। तो बेटा कल तो खुद खाना बना लेना, अपने आप स्वाद आएगा, खाने का भी और बनाने का भी। माँ जरा जरा से बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, अभी देखो आप मैं कैसे इस बोरिंग सी दाल को ना मस्त बना दूंगी। इतना कहकर अमोली जल्दी से जाकर अपने बैग से आम पापड़ लेकर आती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल चावल में मिला लेती है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाने लगती है और ये सब देखकर रेखा उसे बोलती है, अरे क्यों खाने को टट्टी बना रही है, ऐसे कौन खाता है, मुझे उल्टी आने को हो रही है। माँ अगर आपको उल्टी आ रही है तो आप सीधी कर लो ना, लेकिन मुझे खाने का मजा लेने दो। लो माँ तुम भी ट्राई करो। हट परे, अपना ये घोच पोच तू ही खा। इतना कहकर रेखा अपनी खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अमोली का आम पापड़ से लगाव बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त नीवी के साथ मेकअप शॉप पर लिपस्टिक खरीद रही होती है, तभी अमोली दुकानदार से बोलती है, अरे भैया कोई मैंगो फ्लेवर वाली लिपस्टिक नहीं है क्या, ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है। अरे बस कर यार, अब मेकअप में भी तुझे आम पापड़ चाहिए क्या। अरे यार मेरा बस चले ना तो मैं तो आम पापड़ का फेस पैक, आम पापड़ की लिप बाम, आम पापड़ का ब्लशर बनाकर अपने चेहरे पर लगा लूं। खैर छोड़ मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं बाहर घूम कर आती हूँ, तू शॉपिंग कर ले। इतना कहकर अमोली दुकान से बाहर चली जाती है और वो देखती है कि एक आइसक्रीम वाला किसी भी फ्लेवर जैसे कोका कोला, फ्रूट्स, कैंडी आदि जैसी चीजों से आइसक्रीम बनाकर बेच रहा है। अमोली जल्दी से उसके पास जाती है और उससे बोलती है, भैया क्या आप मेरे आम पापड़ की भी आइसक्रीम बना सकते हैं? जरूर मैडम, लाइए मैं अभी बना देता हूँ। अमोली जल्दी से अपने बैग से खट्टा और मीठा दोनों तरह का आम पापड़ निकाल कर आइसक्रीम वाले को दे देती है, जिसके बाद वो फटाफट से आइसक्रीम बनाकर अमोली को वापस करता है और वो मजे से खाने लगती है। तभी वहाँ निवी आकर उसे बोलती है, ओए पागल तू यहाँ आइसक्रीम के मजे ले रही है और वहाँ मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हूँ। यार मैं यहाँ आम पापड़ की आइसक्रीम के मजे ले रही हूँ। ये जो तेरा मजा है ना, एक दिन सजा बन जाना है तेरे लिए, देख लियो। इतना कहकर दोनों वहाँ से घर आ जाती है। ऐसे ही एक शाम अमोली बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही थी कि तभी जोर से बारिश होने लगती है और अमोली खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी उसके सर पर कोई छतरी से छांव करता है और बोलता है, डोंट वरी अमोली जी, मेरे होते हुए आप भीगेंगी नहीं। थैंक यू, पर आप कौन? जी आपके चाहने वाले। जी मेरे चाहने वाले? जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप आम पापड़ को चाहती है मैं आपको चाहता हूँ। आपको कैसे पता कि मुझे आम पापड़ पसंद है? क्योंकि जिस बस में आप रोज बैठकर कॉलेज जाती हैं, मैं भी रोज उसी बस में आपके पीछे वाली सीट पर बैठकर जाता हूँ। ओ अच्छा, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम सुजल है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है, जिसके बाद दोनों कॉलेज जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं
थोड़े समय बाद दोनों अपने परिवार वालों को सब बता के रिश्ते की बात करते हैं, जिसके बाद आपसी रजामंदी से दोनों के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद अमोली का आम पापड़ के लिए क्रेज खत्म नहीं होता और वो घर का काम खत्म करके अपने कमरे में बैठकर आराम से आम पापड़ खाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास विमला उसके कमरे में जाकर बोलती है, अरे बहू तू तो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी पड़ी करती क्या है, मुझे भी बता। कुछ भी तो नहीं माँ जी, वैसे आप यहाँ तक क्यों आई, मुझे आवाज़ दे दी होती मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, ये बता क्या खा रही है। माँ जी ये आम पापड़ है, आप खाएंगी। अमोली अपनी सास को आम पापड़ खाने के लिए देती है। विमला जैसे ही आम पापड़ खाती है उसे वो चिपचिपा और बहुत ज्यादा खट्टा लगता है, जिसके बाद वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, अरे हाय ये क्या था गंदा सा, मेरे दांतों में ही चिपक गया। क्या हुआ माँ जी आपको पसंद नहीं आया? अरे हाय अरे क्या खाक पसंद आएगा मुझे, दुनिया भर का खट्टा है इतना, जाके कूड़ेदान में डाल दे। नहीं माँ जी आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत खाओ, लेकिन इसे कूड़ेदान में मत फेंको। देख बहू मैं कह देती हूँ ये सब खाना तुझे एक दिन नुकसान देगा, इसीलिए ये सब खाना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पेट खराब हो जाएगा और तेरी रात फिर बाथरूम में ही गुजरेगी। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा चिंता मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब तो अमोली का आम पापड़ के लिए प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो हर चीज में आम पापड़ मिलाकर खाने लगती है। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे तभी अमोली रोटी में आम पापड़ रखकर उसका रोल बनाकर खाने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास विमला बोलती है, अरे तेरे दिमाग में आम पापड़ भरा है क्या, जब देखो तब खाती रहती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे अगर आपके दांतों में ये चिपक जाता है तो इसका मतलब मैं भी ना खाऊं, मुझे देख देख के जलते हैं आप दोनों। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं अमोली, अरे कभी कभार खाना समझ आता है पर तुम तो सोते जागते उठते बैठते हर जगह यही चाहिए तुम्हें तो। आज तू इसे खा रही है और एक दिन ये तुझे खा जाएगा। पैर धमकाती हुई अमोली वहाँ से चली जाती है पर अपनी आदत से बाज नहीं आती, सबके लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती और अपना आम पापड़ खाना जारी रखती है। ऐसे ही एक रात वो सुजल के साथ अपने कमरे में सो रही थी और रात के 2 बजे अचानक उसकी आँख खुलती है और उसका आम पापड़ खाने का मन करता है, जिसके बाद वो फटाफट से पास में रखे डब्बे को उठाती है और रॉकिंग चेयर पर बैठकर आम पापड़ खाने लगती है। खाते खाते उसकी आंख लग जाती है और आम पापड़ उसके हाथों में लगा रह जाता है और डब्बा भी खुला होता है, जिसके बाद खाने की खुशबू से बहुत सारी चींटियां अमोली की तरफ आती हैं और उसके हाथों और बदन पर चढ़कर काटने लगती है। पहले तो वो नींद में उसे मच्छर समझकर इग्नोर करती है पर जब उसके बदन पर जलन बढ़ने लगती है तो वो जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, आ, आ, बचाओ 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 ये चींटियां मुझे काट रही है, सुजल सुजल जल्दी उठो। सुजल जैसे ही उठकर अमोली के पास जाता है तो उसकी हालत देखकर पानी की बाल्टी उसके ऊपर डाल देता है, तभी उसकी नजर आम पापड़ के खुले हुए डब्बे पर जाती है जिस पर अभी भी चींटियां मंडरा रही होती है। शोर की आवाज सुनकर विमला भी उनके कमरे में आती है और सुजल अपनी माँ को पूरी बात बताता है, जिसके बाद वो हंसते हुए अमोली से बोलती है, क्यों बहू और आम पापड़ दूं तुझे खाने के लिए, कहा था ना तुझे कि एक दिन ये आम पापड़ तुझे ही खा जाएगा, अब अपनी हालत देख कैसे उबला हुआ आलू लग रही है वो भी लाल लाल। अमोली ये क्या हरकतें हैं, तुम खाते खाते ही सो गई, यार इतना भी क्या पागलपन, आज कुछ हो जाता तुम्हें तो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी और सुजल जी आप भी, आम पापड़ खाने की लत ने आज मेरी ये हालत कर दी, अब मैं कभी भी इसे नहीं खाऊंगी पक्का। इस हादसे के बाद अमोली आम पापड़ खाना तो छोड़ ही देती है, साथ ही बाकी की चीजों के स्वाद लेना भी शुरू कर देती है। वंशिका एक बहुत ही प्यारी और बेहद अमीर घर की बेटी थी, उसे अपने लंबे काले बालों से बेहद प्यार था, वो इन्हें और भी सुंदर बनाने के लिए कभी रिबॉन्डिंग स्मूदिंग तो प्रेसिंग करवाती ही रहती थी और ना जाने कितने ही केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करती थी।
जिसके चलते धीरे धीरे उसके बाल झड़ना शुरू हो गए थे। वक्त ऐसा भी आ गया जब वो पूरी तरह से गंजी हो गई। उसे विग का सहारा लेना पड़ा। उसकी माँ लता और पिता बंसी को अपनी बेटी के गंजेपन के चलते उसकी शादी की बेहद चिंता सताने लगी। ऐसे ही एक शाम, सुनिए जी, अब कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? उसके गंजेपन की वजह से सभी लोग ना कर देते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम के साथ करेंगे। जी जी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वंशिका के लिए तुषार नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता था। इस बार वंशिका के माता पिता उसके गंजेपन की सच्चाई लड़के वालों को नहीं बताते। फिर क्या हो जाती है हमारी वंशिका और तुषार की शादी। यार वंशिका, कितने सुंदर हैं तुम्हारे ये बाल, दिल तो करता है बस इनकी छाव में सो जाऊं। हे भगवान, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि जिसे ये सोना समझने की भूल कर रहे हैं, असल में तो वो पीतल है। ये मेरे असली लंबे बाल नहीं बल्कि विग है। अरे क्या हुआ मेरे हुस्न की मलिका, कहाँ खो गई तुम? जी कहीं नहीं, बस यूं ही। जरा छू कर तो देखूं तुम्हारे बालों को, कितने खूबसूरत हैं ये। नहीं नहीं, मुझे जाना है, माँ जी ने कुछ काम कहा था, मुझे याद आ गया। अरे सुनो तो सही वंशिका, पार्टी में जाना है हमें, शाम को तैयार रहना। और ये लो एक खूबसूरत सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ये गजरा अपने बालों में लगाना, खूब जचेगा तुम पर। जी जी ठीक है। वंशिका किसी तरह से वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज तो मैं बच गई, पर आगे कैसे संभाल पाऊंगी। तुषार जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं उनको धोखे में नहीं रखना चाहती। अगली सुबह वंशिका जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम खत्म करती है और शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी घर से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अचानक स्कूटी एक पत्थर से स्लिप हो जाती है, दोनों नीचे गिर जाते हैं और वंशिका की विग उतर कर गिर जाती है। तुषार ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है, उसे अपने आंखों देखे पर यकीन ही नहीं होता। वो उसके पास जाता है और अपनी बीवी के सर को छूकर जोर से चिल्लाता है, तुम गंजी हो वंशिका, यह सुनहरे रेशमी बाल सब नकली है। जी जी, वो मैं आपको सब बताने ही वाली थी, पर मुझे डर था कि आप मुझे घर से ना निकाल दें। गंजू पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल, तुम मेरे परिवार की आंखों में धूल झोंकती रही, तुम्हें शर्म नहीं आई जरा से भी? अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारा ये चांद सा रोशन चेहरा नहीं देखना मुझे। हाँ नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। केमिकल प्रोडक्ट्स के बहुत ज्यादा यूज करने से मेरा ये हाल हो गया, आई एम सॉरी। अरे भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी माफ भी करूंगा। गंजी कहीं की, धोखेबाज हो तुम समझी, तुम इतने समय से मेरे साथ धोखा करती रही, माफी तो मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस गलती के लिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज तुषार जी, ऐसा मत करिए। तुषार गुस्से में अपनी बीवी को बीच रोड पर छोड़कर स्कूटी लेकर वहाँ से चला जाता है। वो रोते हुए उसके पीछे भागती है पर वो नहीं रुकता। वंशिका रोती बिलखती अपने घर पहुँचती है, अपने माता पिता को सारी बात बताती है। कुछ वक्त बीतता है, तुषार इंस्टाग्राम के जरिए रितिका नाम की एक लड़की के संपर्क में आता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बस फिर क्या था, दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। रितिका की नजर हमेशा से घर के पैसे और गहने पर थी। ऐसे ही एक दिन, सुनिए तुषार जी, मुझे शॉपिंग पर जाना था, थोड़े पैसे दे देते आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो मेरा कार्ड, और जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर लो, आखिर सब तुम्हारे लिए ही तो है। ओहो सच्ची, आप कितने अच्छे हैं तुषार जी। हाँ हाँ तुम जाओ,
और पूरा दिन आराम से शॉपिंग करना, मुझे काम है थोड़ा। रितिका धीरे धीरे घर का सारा पैसा, सोना सब अपने नाम कर लेती है। एक रात सब सो रहे होते हैं, वो सब कुछ लेकर फरार हो जाती है। तुषार पुलिस को कंप्लेन करवाता है तो पता चलता है रितिका पहले भी कई लोगों के साथ इसी तरह शादी करके उन्हें लूटकर भाग चुकी है। अपनी सारी जमा पूंजी खो जाने के चलते तुषार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जब वंशिका को ये सब पता चलता है तो वो बिना एक मिनट की देरी किए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। क्यों, आखिर क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। नफरत है मुझे इस चेहरे से। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सब सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। सुनिए जी, प्लीज ऐसा मत कहिए और जरा धीरे बात कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे हटाओ ये सब, यह झूठी तसल्ली देना बंद करो तुम। अगर तुमने मुझे पहले ही सब सच बता दिया होता ना, तो इतना कुछ होता ही नहीं कभी हमारे साथ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। अरे अरे चली जाओ ना तुम यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, देखिए ना इनको क्या हो गया। जी जी आप प्लीज बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर मेरे पति ठीक तो है ना, क्या हुआ है उन्हें? जी जी इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, हमें जल्द से जल्द इनका इलाज करना होगा। आप फॉर्म फिल कर दें और कैश भी जमा करवा दें। जी जी मैं सब कुछ कर दूंगी, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है सब कर दूंगी, बस आप इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। डॉक्टर तुषार का इलाज करते हैं पर पैरालाइज होने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता, उसके पैर जवाब दे देते हैं। वंशिका ऐसी हालत में भी उसका साथ छोड़कर नहीं जाती है और दिन रात उसकी खूब सेवा करती है। अपनी बीवी का सेवा भाव देखकर तुषार को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मुझे माफ कर दो वंशिका, मैं तुम्हारे गुणों को कभी जान ही नहीं पाया। तुम्हारे सर पर बाल नहीं है, बस मैंने इतना देखा और तुम्हें खामखा बेकार में जज करने लगा। तुम सबसे अच्छी वाइफ हो मेरी, इससे बेस्ट चॉइस मेरे जीवन में शायद ही कुछ रही होगी। नहीं नहीं तुषार जी, आप सॉरी मत कहिए, गलती मेरी भी तो थी ना, मैंने भी तो आपसे सच छुपाया। आज अगर तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होता, तुम भगवान बनकर आई हो मेरे जीवन में। नहीं ऐसा कुछ मत कहिए, मैं आपको कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। और हाँ वंशिका, अब से तुम कभी विग नहीं पहनोगी, तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। अपने पति की बात सुनकर वंशिका उसे गले लगा लेती है और इस तरह तुषार अपनी बीवी को उसके गंजेपन के साथ अपना लेता है और समझ जाता है कि कभी भी किसी की कमी नहीं बल्कि उसके गुणों से इंसान की पहचान होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।